हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और गेमर। और मैं आज सिखाऊंगा आपको एक रेक्टेंगल बास्केट कैसे बनानी है। आपने बहुत सारी नॉर्मल बास्केट देखी होगी जो कुछ ऐसी होती है और यहाँ से खुलती है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा अच्छी बास्केट बताऊंगा जिसमें आप अपनी जैसे स्टेशनरी रख सकते हैं या अपना कुछ भी रख सकते हैं। इसको आप अपना कुछ भी बना सकते हो। एक टाइप का बॉक्स है, बॉक्स का आधा जो बॉक्स का दूसरा तो आप बना लेंगे, चलेगा। आधा बॉक्स है वो रेक्टेंगल। तो गाइस, सबसे पहले इस रेक्टेंगल बास्केट के लिए हमें ऐसा, हम कोई सा भी पेपर ले सकते हैं। पिछली बार की तरह नहीं है कि हमें बस पतला पेपर ही चाहिए, लेकिन कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको हाफ में फोल्ड करेंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद ये जो बीच की लाइन बनी है, दोनों एजेस को बीच की लाइन तक लाना है, दोनों को देखिए। और गाइस, आज मैं आपको बोलना, और गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जितने कमेंट कर सकते हो करो अच्छे प्लीज। तो अब देखिए, दूसरे भी करो, दूसरे को भी ऐसे करना है। तो अब हमें ये जो आप देख सकते हैं, ये फ्लैप जो हमने बनाया है, ये जो हमने हाथ में फोल्ड किया था, इसको हमें थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है, खोलना है इस एज को। दिखाता हूँ, देखिए हमने यहाँ तक फोल्ड किए थे दोनों, और फिर हमने इसको थोड़ा सा खोल दिया ऐसे, ताकि बीच में, हम दूसरी साइड से जैसे करना है। याद रखिए दोनों बराबर होने चाहिए थोड़ा बहुत। अभी बराबर दोनों साइड को ऐसे थोड़ा सा खोलना है। अब देखिए, मैं क्या थोड़ा सा कैमरा सेट कर रहा हूँ, देखिए हमें ये जो टॉप है ये यहाँ तक लाना है, जो हमने बनाई थी ना यहाँ तक। तो गाइस, हमने इसका ये कॉर्नर फोल्ड किया, हमें ऐसे ही चारों कॉर्नर फोल्ड करने हैं, इधर के ये वाला भी देखिए। देखिए, जो हमने बनाया था, हमने ये सारे कॉर्नर फोल्ड कर दिए इस लाइन तक, और हमें अब ये ऊपर ले आना है। इसके बाद देखिए, ये जो है ना, ये पार्ट इसको हमें ऐसे आता फोल्ड करना है, ये ऐसे जहां तक हमने ऐसे कॉर्नर बनाया ऐसे फोल्ड करना है, ये है। ऐसे ही दूसरी साइड से करना है। और पहले याद रखिएगा, ये दोनों जो थे ना, इनको फोल्ड कर देना है। ऐसे दूसरा कर लेंगे। गाइस, तो अब हमारे दोनों कॉर्नर फोल्ड हो चुके हैं, अब इनको खोल देंगे। अब ये बक्सा बनाने के लिए देखिए, यहाँ से अपनी उंगली लीजिए और इसको ऐसे खड़ा कर दीजिए ऐसे, और ये अपनी उंगली लीजिए और ऐसे खड़ा कर दीजिए।
देखिए थोड़ा बक्सा जैसा बन गया। अब देखिए जो इनके कॉर्नर है हमें इनको थोड़ा सा सीधा करना है। ऐसे आप दबा कर दीजिए चारों कॉर्नर से। देखिए ऐसे ये ऐसे और ये वाला ऐसे। तो गाइस आपको बक्सा बन चुका है। इसमें क्या देखिए ये बन चुका है हमारा बक्सा। आप सोच नहीं पा रहे होंगे पेपर का हमने बक्सा बना दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो। और जैसा मैंने आपको बताया था कि वैसे मैम स्टेशनरी सकते जैसे कि एक मिनट भाई इधर का थोड़ी सी स्टेशनरी ले आया हूँ। ये देखिए ऐसे हमारे पास कभी कभी स्टेशनरी रखने के लिए स्टैंड्स नहीं होते, ये वो सब बना लो उसमें डाल दो सारी स्टेशनरी। आप सोच रहे हैं गाइस ये देखिए सेलो डिको जेल रेडर पेरी गार्डन वेनोमेटिक हॉजर एक्टिव ब्लैक सेलो सुपर जेल सुपर स्टार और हॉजर सोनिक। ये हॉजर का पेन तो मैंने अपनी वीडियो में यूज़ भी किया कभी कभी, लेकिन लकी है ये। तो गाइस जैसे मैं बाय बाय एंड लाइक कर दीजिए बाय।